यूपी संविदा कर्मियों के मुद्दे को एक बार फिर से वरुण गांधी ने उठाया है, उन्हें मिलना चाहिए उनका हक। ये कहा है वरुण गांधी ने, संविदा कर्मियों को समय से मिले वेतन। मुख्यमंत्री जी ने लिया है राज्य कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय। नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज, जो है आपके संघर्ष का साथी। अन्वेषक न्यूज पर बड़े समाचार शुरू करने के लिए एक छोटा सा निवेदन। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। शुरू करते हैं आज की खास खबर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संविदा कर्मियों को समय से मिले वेतन। 16/5/2023 की अमृत विचार से ही समाचार है और लखनऊ से प्रकाशित किया गया है। सरकारी संस्थानों में कार्य संविदा कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिलता है, इसके लिए संविदा कर्मचारी संघ आंदोलन करेगा। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि शासनादेश के बावजूद संस्थान के अधिकारियों के साथ साठगांठ कर संविदा कर्मचारियों का शोषण किया जाता है और अगर आवाज़ उठाने पर संबंधित कर्मी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विकास तिवारी ने बताया कि शासनादेश के बावजूद सरकारी चिकित्सक संस्थाओं में संविदा कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिलता है। हर माह की 6 तारीख तक मिल जाने का आदेश है। सभी संविदा कर्मियों को हर माह की 6 तारीख तक वेतन या जो मानदेय है मिल जाने का आदेश है, लेकिन इसके बावजूद 15 तारीख तक नहीं मिलता। 15 से भी अन्वेषकों के साथ ये 15 से भी ज़्यादा समय बीत जाता है और उन्हें वेतन समय से नहीं मिल पाता है। ये एक बहुत ही खेदजनक बात है। संविदा कर्मियों के वेतन या मानदेय लेट हो जाने की एक खास वजह बताई, जो है प्रभारी अधिकारियों के एक साथ हस्ताक्षर ना होना। संघ अध्यक्ष का कहना है कि समय से वेतन मिले इसके लिए मुख्यमंत्री जी समेत संबंधित अधिकारियों के यहाँ मांग पत्र भेजा जाएगा, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी होगा। अगला समाचार है, वरुण गांधी जी ने संविदा कर्मियों सरकार को घेरा है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है संविदा कर्मचारियों का, आशा बहुओं का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, शिक्षा मित्रों का और रोजगार सेवकों का। इनकी हालत बहुत ही खस्ता है। जब सरकार आई थी तो कहा था कि हम उनका मानदेय बढ़ाएंगे, स्थायीकरण करेंगे, मगर हुआ क्या, कोई लाभ नहीं मिला। निवेदन करता हूँ कि सरकार इन पर दया करे, इनके भी बच्चे हैं, कब तक ये लोग ऐसा जीवन जीते रहेंगे। सरकार में रहते हुए वरुण गांधी जी इतनी बुलंदी से और बेबाकी से संविदा कर्मियों की आवाज़ को उठाते रहे हैं। सीएम योगी का आदेश 38 से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। महंगाई भत्ता, 16,35,000 राज्य कर्मचारी व 11,00,000 पेंशनर होंगे लाभान्वित। अब देखना है इसमें संविदा कर्मी अन्वेषक शिक्षा मित्र लाभान्वित होंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आप देख रहे थे अन्वेषक न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अन्वेषक न्यूज़ को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।